ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो पहले पहले आए उनके 84 जन्म होते, जबकि माला अंत में बननी है, इसका भाव क्या है? जो पहले आए, ज्ञान में पहले आए और टिके भी रहे, वो आदि से पाठ बजाएंगे। जो बीच में छोड़कर चले गए, फिर आ गए, कुछ लेट आए, परंतु पुरुषार्थ करके आगे चले गए, इसलिए रिजल्ट लास्ट में निकलेगा। माला अंत में बनेगी, मतलब रिजल्ट लास्ट में निकलेगा, क्योंकि कोई तो आए, अपनी अवस्था को उन्होंने एक रस बनाए रखा। कुछ आए कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, नेचुरल है कि मेरिट में अंतर आएगा ना। कोई देर से भल आए, परंतु उन्होंने अवस्था इतनी टॉप पे बना के रखी कि अप एंड डाउन वालों से भी उनकी स्टेज अच्छी रही। तो इसलिए रिजल्ट लास्ट में निकलेगा कि किसने कितने लंबे समय तक, कितनी ऊंचाई तक अपने आप को श्रेष्ठ बनाया। क्योंकि रिजल्ट देखने के लिए कितना लंबा समय तक, कितना लंबी ऊंचाई तक पवित्रता को धारण किया, ये दो बातें काउंट करेंगी। वो लास्ट में, कोई पहले तेज चले बाद में ढीला हो जाए, कोई पहले ढीला चले बाद में तेज हो जाए, डिपेंड करेगा उसने कितना अपने आप को मेंटेन किया। कोई पहले ढीला चल रहा हो बाद में तेज हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए, इसलिए जो बाद में आएंगे वो भी आगे जा सकते। लास्ट सो पास्ट सो फर्स्ट जा सकते, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम।